हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम अनबॉक्स करने वाले एक ट्राईपॉड। जैसा कि आपने मार्केट में देखा होगा, ट्राईपॉड काफ़ी महंगे महंगे आते हैं, लेकिन ये एक बजट ट्राईपॉड है। तो एक बार हम अनबॉक्स करके देखते हैं कि ये कैसा क्वालिटी का है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमको ये बॉक्स इसके अंदर मिला, ये बॉक्स मिला है इसके अंदर। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, वैसा ही इसके अंदर भी निकलेगा। इसकी हाइट हम एडजस्ट कर सकते हैं और जो इसका एंगल चेंज करने का हैंडल है वो भी हम दिखाएंगे। अभी इसको असेंबल करके भी आपको दिखाते हैं। इसके अंदर हमको ये ब्लैक पॉली बैग में दिया है हमको, इसके साथ कुछ एसेसरीज है। एक हमको रिमोट प्रोवाइड किया है इन्होंने, जिससे हम इसमें iOS और एंड्रॉयड दोनों फ़ोन से हम सेल्फी ले सकते हैं। तो ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होने वाली है, हम वो भी कनेक्ट करके दिखाएंगे कि कैसे ये वर्क करता है। और एक आइटम और है इसके अंदर, ये है माइक। तो ये 3.5 mm जैक के साथ एक माइक प्रोवाइड किया है। तो इससे आप रिकॉर्डिंग जब करेंगे या कंटेंट कोई क्रिएट कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको बहुत ही मतलब आवाज़ आपकी सही नहीं आती है, लो वॉइस रहती है। तो वो इसमें ये वॉइस का मतलब वॉइस काफ़ी अच्छी क्वालिटी की रिकॉर्ड होगी आपकी। और एक आइटम ये है, ये है आपका फ़ोन होल्ड करने के लिए। तो इसके अंदर आपका फ़ोन होल्ड होने वाला है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये एक होल है जिससे वो अटैच होगा। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कहाँ पर ये अटैच होने वाला है। ये है हमारा ट्राईपॉड, ये ऐसे ओपन होगा। और ये जो हमारा बोल्ट है, तो यहाँ पे हमारा ये कसने वाला है। एक बार देखते हैं हम कैसे कसेगा ये, हम एडजस्ट करेंगे। तो ये वाला जो नॉब है वो इसको ओपन करने का है। फिर इसके पीछे ये वाला नॉब है, इससे ये कनेक्ट होगा। तो जब भी हमें अपना फ़ोन कनेक्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसके आगे ये लगाएंगे और पीछे से वो स्क्रू जो है वो कस देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कस दिया है और अब यहाँ पे आप फ़ोन अटैच कर सकते हैं। मैं अभी फ़ोन भी अटैच करके दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं, पहले बाकी की फंक्शनैलिटी हम समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो ये यहाँ से एक नॉब है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, और इसके पीछे एक नॉब है। तो अगर हम इसको घुमाना है कहीं पे भी, लूज़ करना है या चेंज करना है, कभी कभी ये डैमेज हो जाता है पार्ट, तो फिर ये पार्ट आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं इतना और इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से ये ओपन होगा वापस और इधर से कस जाएगा। इसको हम सेट कर लेंगे, ये कोई भी एक एंगल पे हम सेट कर लेंगे जिससे कि हमारी वीडियो परफेक्ट आए, और हम इसको टाइट कर देंगे तो ये ऐसे का ऐसे ही होल्ड हो जाएगा। देन हमारे पास ये एक स्टिक है जिससे हम इसको 360 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं। एक बार हम इसको ओपन कर लेते हैं पूरा फिर से और यहाँ देखते हैं, ये थोड़ा सा टाइट हो गया है अभी। अभी देखिए ये 360 डिग्री पे, मैं पूरे पे कहीं पे भी घुमा सकता हूँ इसको, ठीक है। अभी इसकी हाइट एडजस्ट का हम देखते हैं, इसको वापस मैं टाइट कर देता हूँ। जैसे कि मेरे को एक बार इसकी एंगल सेट करने के बाद टाइट करना है तो टाइट कर दूंगा तो वो हिलेगा नहीं फिर वापस से। एक बार इसकी हम हाइट का देखते हैं, हाइट के लिए हमें ये वाला नॉब लेना है। ये दोनों नॉब पास पास में है, तो नीचे वाला नॉब जो है वो हाइट के लिए है। तो इसकी एक हद तक हाइट यहाँ से अपेंड होगी, और बाकी अगर आपको और हाइट इसको बढ़ानी है तो यहाँ पे लेग्स के पास ये तीन अलग अलग दिए हुए, तीनों लेग्स में है। तो आप एक एक करके जब आपको इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये एक हाइट मतलब तीन लेवल पे हाइट इसकी अपडेट होगी, आप देख सकते हैं। तो मैंने तीनों ओपन कर दिए, अगर मैं तीनों लेग्स का ओपन कर दूंगा तो ये काफ़ी हाइट हो जाएगा, जो कि करीब करीब मेरे शोल्डर तक आ रहा है। तो 4.5 और 5 फुट के अराउंड इसकी हाइट है, जो कि मैं एग्जैक्ट अभी बता दूंगा। सबसे बेस्ट चीज़ इसमें ये है कि मेरे पास यहाँ पे एक बबल है,
इस बबल का मीनिंग ये है कि अगर ये बबल सेंटर में है तो इसका मतलब आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग बिल्कुल स्ट्रेट हो रही है, अदरवाइज अगर ये थोड़ा लेफ्ट में जा रहा है या राइट में जा रहा है तो मतलब उतना उतना बैंड है। तो आप जब शूट करेंगे तो आप ये देख सकते हैं एंगल सेट करते टाइम कि कितना मुझे इसको रोटेट करना है। तो ये यहाँ से भी रोटेट होता है, मीन्स राइट लेफ्ट तो होता है ये, मीन्स 360 राउंड होता है, और ये ऐसे भी 360 आप रोटेट कर सकते हो पूरा। तो आपको जब फ़ोन लैंडस्केप लगाना होगा तो ऐसे लगेगा, और पोर्ट्रेट में लगाना होगा तो ऐसे लगेगा। तो फ़ोन अटैच करके देखते हैं एक बार हम। तो फ़ोन मेरे पास ये है तो G6 Plus, यहाँ पे हम इसको अटैच करते हैं। स्क्रीन थोड़ी सी इसकी ब्लर आ रही है, मैं इसमें कैमरा ऑन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी वीडियो इसमें आ रही है, मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ। ये बबल मैंने थोड़ा सा राइट में है अभी, अभी ये मेरा सेंटर में है। तो आप देख सकते हैं इसकी वीडियो में कि सेंटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरी वीडियो, ठीक है। तो इससे मेरे को ये बेनिफिट है कि मेरी वीडियो, मेरा फ़ोन या मेरा फ्लोर कैसा भी हो, थोड़ा सा स्लोपी है या मैं कहीं ऐसी जगह पे पहाड़ों पे कर रहा हूँ तो मेरा एकदम स्ट्रेट वीडियो आएगा। तो ये इस बबल से बस ये फ़ायदा है मेरे को कि फ़ोन मेरा सीधा रखा जाएगा। तो एक ये चीज़ हो गई, अभी मैं इसका ब्लूटूथ कनेक्ट करके देखता हूँ और फिर सेल्फी लेके देखते हैं हम। अभी इसका ये रिमोट तो काम नहीं कर रहा है, तो अभी हम ये बाद में देखते हैं, मे बी शायद इसमें बैटरी लो हो गई है या फिर कुछ और टेक्निकल इशू है, तो मे बी इसको रिटर्न करना पड़े। तो अभी ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि ये इस पर लिखा भी है मेड इन चाइना, तो चले तो चांद तक वरना ना चले तो शाम तक, वही वाला हिसाब है। एक बार हम इसका ना माइक लगा के देखते हैं, माइक से एक बार हम रिकॉर्डिंग करेंगे और एक बार सुनेंगे कि क्या परफॉर्मेंस है इसकी माइक की, या वो भी खराबी है जैसा कि अभी दिया है। तो इसमें वायर काफ़ी लंबा दिया है, तो जो कि मतलब मेरे, अगर मैं इससे बात करूं यहाँ से, अगर लगा के मैं लगाऊं तो करीब करीब 1.5 मीटर का है, तो ये अच्छा है। और इसमें एक छोटी सी क्लिप दी है जो आप अपनी शर्ट पे या कहीं लगा सकते हैं जिससे कि आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड हो। तो एक बार हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? यहाँ मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, देखते हैं रिकॉर्डिंग की आवाज़ कैसी आती है। मीन्स रिकॉर्डिंग तो ठीक ही हुई है। तो फ्रेंड्स, इसको अगर हम पोर्ट्रेट करना चाहें तो पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं ऐसे, और लैंडस्केप तो हम कर ही सकते हैं। और रिमोट वर्क नहीं कर रहा है उसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपका प्रॉपर रिप्लाई देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिए और हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्यों आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा है। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।